नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। तेउथर चाकघाट से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कोरोना संक्रमण काल में जहाँ एक और पूरा देश परेशान है, डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार देशवासियों की सेवा कर रहे हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं, वहीं तेउथर चाकघाट के 7 डॉक्टरों ने BMO के खिलाफ आवाज उठाई है। डॉक्टरों का कहना, BMO उनको लगातार परेशान कर रहे हैं, वो कभी अस्पताल भी नहीं आते, लगातार हम लोग को तरह तरीके से परेशान करते हैं। ऐसा ही मामला एक पिछले दिनों देखने आया, जब डॉक्टर हरि सिंह की पत्नी को कोरोना हो गया था, उस दौरान वो 2-4 दिन अस्पताल नहीं जा सके थे। उसके बाद उनको लगातार धमकी दी जा रही है, उनका मानदेय भी इस महीने रोक दिया गया। इसी के चलते आज चाकघाट के उतर के 7 डॉक्टरों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन की खबर जैसे ही वहां के SDM को मिली, SDM तत्काल ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेउथर पहुंच गए। वहां उनको डॉक्टरों से उनकी बातचीत हुई, दोनों को उन्होंने समझाइश दी। हम आपको दिखाएंगे इस पूरे मसले पर वहां के SDM ने हमें क्या कुछ बताया, साथ ही डॉक्टरों को किस तरीके से आक्रोश था, वह भी आप जरूर देखिए। या तो ये अपने विचारों में व्यवहार में बदलाव लाएं, या तो हम लोग चाहते हैं कि ये खड़ी जाए, इसलिए हम इनकी बातों का समर्थन करते हैं। जो वो एक मानसिक प्रताड़ना का ज्ञापन है, और उसमें हम सभी डॉक्टरों ने समर्थन दिया है, क्योंकि गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और डॉक्टर एस एन पांडे जो BMO हैं अभी फिलहाल प्रभारी, उनका जो बिहेवियर है सभी डॉक्टरों से अच्छा नहीं है। नहीं, डॉक्टरों ने कोई शिकायत नहीं की है। हमारे साथी डॉक्टर हैं हरि सिंह जी, इनका कुछ पिछले महीने का जो वेतन वगैरह का था वो थोड़ा सा इशू है, 13 दिन के आसपास कुछ अवधि का वेतन नहीं निकला, ऐसा कुछ इशू है। तो वो उसको मैंने एड्रेस कर लिया है, CMHO साहब से, BMO साहब को भी बता दिया है, 3-4 दिन के अंदर अंदर वेतन निकल जाएगा। कुछ थोड़ा सा आपस में टॉक्स को लेकर के कि ज्यादा ज्ञापन तो सर आपके हाथ में है। हाँ, वही कि मतलब ऐसा करते हैं, तो अभी मैंने बिठा करके सभी की सहमति बना दी है, आगे से ऐसा नहीं होगा, इनको भी इंश्योर कर दिया है, BMO साहब को भी बता दिया मैंने, आगे ऐसा नहीं होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।